ने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा अपनी मां मेणा देसू हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लून बना दियो लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारो ने माफ कर दियो बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह की कामना करे माता मैणा दे रे मन में भी आयो फिर रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्याह की बात चलाओ एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जाहिर कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे अमरकोट में दलजी सोडा रहता दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल अटिने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है बोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी रहा कोई सरदार देखो अपनी बेटी की सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो अमर कोट सोडा
अमर सो अमर कोट सो ढागरे कलिया जन्मिए हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदा दल जी के दो पुत्र भए कन्या एक सुजा हो जिमल घर अवतार सुजर लिखो विदाता प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है बहु बहु रो संबंध है और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो बेटी रे मन की बात प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे प्यार करो जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया ब्राह्मण देवता ने बुलाया एक सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव अपनी नेतल रो ब्याह रामदेव जी ने साथ में करनो है आप उस नारियल ले जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया जा माता मीणा देवी जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट से आयो हूँ अमरकोट में सरदार अमरकोट ने सिरदारा रो रिश्तो ले आयो बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयोड़े नाले रो अनादर नहीं करनो बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब में जार कह दो कि मैं अपने बेटे को ब्याह आपकी बेटी के साथ में करने वास्ते तैयार हो और 1,25,000 री मोहरा दे और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली रामदेव जी महाराज रे ब्याव नहीं करनो रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देव जी ने कह दियो